नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। आज तो आप लोग बहुत ज्यादा बिजी होंगे क्योंकि आज लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं और आज दूसरा दिन है। रिजल्ट आने के बाद आज बहुत गर्मी रहेगी, खासकर दिल्ली में। और जो नेता चर्चा में रहेंगे, आप सबको पता है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं क्योंकि वो चर्चा के लायक हमेशा रहते ही हैं, आप सब समझ गए होंगे, बिहार के नीतीश बाबू, नीतीश जी कहे। और इस बार तो चर्चा में चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। तो आप लोगों के यहाँ क्या माहौल था इस बार चुनाव का, कैसा, आपके यहाँ कौन कौन से जीते हैं? हमारे यहाँ तो देखो बहुत साधारण जनता है, बहुत एकदम भोली भाली जनता कहे तो मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट बीजेपी जीती है। इसका मतलब कि बहुत सिंपल लोग हैं, बढ़िया विचारधारा, जो एक तरफ सब लोग चलते हैं, थोड़ा रफ लैंग्वेज में कहे तो भेड़ चाल। बाकी हम लोग का ये अभी मुद्दा नहीं है, हम लोग का चर्चा का विषय हम लोग शामिल हुए हैं इसलिए क्योंकि हम लोग यूजीसी नेट का एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज जैसे आप लोग देख रहे होंगे हमें कि इंडिया की जर्सी क्यों पहन के आ गया मास्टर, तो इसका कारण यही है कि आज वर्ल्ड कप का मैच है। आप सभी लोग 8 बजे टीवी के सामने बैठ जाएंगे बिना कहे, जिनका इंटरेस्ट है वो बिना कहे और जिनका इंटरेस्ट नहीं है तो चाहे उसको जितना भी कहो कोई मतलब नहीं होगा। तो 8 बजे आज भारत और आयरलैंड का पहला मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में और न्यूयॉर्क में मुकाबला होने वाला है। मैं तो क्या बताऊं, मैं हर बार मैच देखता हूं, हर बार वर्ल्ड कप देख रहा हूं। 2022 में लास्ट वर्ल्ड कप हम लोगों ने शायद नवंबर महीने में देखा था और वहां से ये महसूस हुआ था कि अब वर्ल्ड कप हम देखेंगे नहीं और क्रिकेट देखेंगे ही। लेकिन ऐसा क्रिकेट एक मतलब उससे प्रेम टाइप का हो गया है तो देखना ही पड़ता है, इसलिए हम आज जर्सी में पढ़ा रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर भारत इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएगा तो हमारे यूट्यूब चैनल की जर्सी रहेगी इंडिया का ये जर्सी, ठीक है? तो आप लोग अगर हमको इंडिया की जर्सी में देखना चाहते हैं तो इस बार दुआ करिए कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए, और मेनली विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है? तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर जो ये बचे हुए दिन है, आज 5 जून हो गया, आपको 18 जून का 31 मई को नोटिस आ ही गया है कि 18 जून को एग्जामिनेशन एकदम कंफर्म है, कोई पोस्टपोन नहीं होने वाला है, कोई डेट में चेंजेस नहीं आएगा। 18 को एग्जाम होना है, एक पहली शिफ्ट में होना है, एक दूसरी शिफ्ट में। पहली शिफ्ट वाले 9:30 से 12:30 चलेगा और दूसरा 3 से 6 तक चलेगा, ठीक है? 3-3 घंटे का एग्जामिनेशन है। तो अभी अपने मन से एकदम भ्रम निकाल दीजिए कि कोई भी पोस्टपोन या फिर डेट चेंज जैसा बात आएगा, ठीक है? तो ये रहा। और आज एक और बहुत खास दिवस है, 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है ना? पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण इस समय सबसे बड़ा संकट बना हुआ है हमारे पूरे पृथ्वी के लिए। तो पर्यावरण को थोड़ा सा आप लोग जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं करिए, पेड़ों को अगर लगा सकते हैं एक पेड़ भी लगा सकते वो करिए, जल बचा सकते जल बचाइए, पक्षियों को बचा सकते उनको संरक्षण दीजिए। तो जिस प्रकार से आप अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से एनवायरमेंट की हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करिए, ठीक है? इतना हमारा कहना है और ये है, बाकी आप सब लोग काफी समझदार है। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने मुद्दे पे कि आखिर बचे हुए आपके पास बचे हैं, 5 तारीख आज हो गई, 18 को एग्जाम है। मैं 15 तक का वो लेके चलता हूँ क्योंकि 15 के बाद किसी का सेंटर कहीं आएगा, किसी का सेंटर कहीं ट्रेवल करना हो सकता है, कहीं स्टे करना हो सकता है। तो 15-16 तारीख तक आप पढ़ाई कर पाएंगे, उसके बाद 2-3 दिन वो किसी काम के नहीं रहते मोस्टली, ठीक है? तो आज 5 जून है, तो 5 जून है और उसके बाद आपके पास अगर मोटा मोटा कहा जाए तो 10 से 11 दिन बचे हुए हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं और रिवीजन अपना कर सकते हैं। पढ़ाई तो अब क्या करेंगे, अब रिवीजन ही कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से जो भी मुझे लगता है कि ऐसा कर लेना चाहिए, जिन स्टूडेंट्स को कहीं थोड़ा वीकनेस लग रहा है किसी पोर्शन में, या फिर कुछ 5 से 6 नंबर बढ़ाने के लिए यहाँ पर काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग को अभी करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ लिया ठीक है पढ़ लिया, ठीक है? और अभी भी टाइम है, कुछ टॉपिक रहेंगे तो पढ़ लेना। लेकिन सबसे खास बात आपको ये करना है, सबसे पहली बात कि आज से आपको ये करना है, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है,
ऑब्जेक्टिव आपको जरूर सॉल्व करना है इसके पेपर वन के भी पेपर टू के बाद, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव आप कितने कितने करेंगे ये मैटर नहीं करता है, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप 300 400 500 कर लेते हो एक दिन में तो भी सही है, लेकिन जो एक आइडियल तरीके में बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करेंगे थोड़ा फायदा होगा, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपका शिफ्ट पता चल गया है कि हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में है या फिर इवनिंग शिफ्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये करना है कि आप जिस टाइमिंग पर आपका एग्जामिनेशन है, जैसे मान लीजिए 9 से लेकर 12 में है, तो उस टाइमिंग पर आप ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं। मैंने क्या बोला कि उस समय पर आप ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर लगाएं, चाहे आप पेपर वन चाहे पेपर टू के, ठीक है। क्योंकि उससे होगा कि आपका कि माइंड जो होता है और माइंड को अपने एक मैसेज जाता है, और आपके मैसेज जाएगा कि इस समय पर हमको क्या करना है, चार ऑब्जेक्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के चार ऑब्जेक्टिव होंगे और उन ऑब्जेक्टिव में से छांटना है हमको। तो माइंड अगर आप आज से 10-12 दिन लगातार इसको आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन के दिन आपका क्या होगा, इस समय पर आपका एक सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंस और सेल्फ अपने आप ही माइंड को एक मैसेज और सिग्नल जाएगा कि आपको ऐसे छांटना है। क्योंकि आप जब एक ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करते रहते हैं ना, तो आपका कई तरह से दिमाग चलता है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है केवल आंसर ढूंढ लेते हो आप, ऑब्जेक्टिव में आप चार आंसर वो पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव जब पढ़ते हैं तो उससे आपका सारे डायमेंशन खुल जाते हैं एग्जाम, मतलब कोई भी अगर चार ऑप्शन के से क्या होता है आपका चार तरह से रिवीजन हो जाता है, और उसमें भी आप एक छांटते हैं तो उससे आपका माइंड क्या होता है एक छांटने की प्रवृत्ति जो है एलिमिनेट करने की प्रवृत्ति आपके उसमें आ जाती है। तो सबसे पहला काम है आपको यही करना है कि ऑब्जेक्टिव आपको जरूर लगाना है, ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है कितने 3 घंटे, 3 घंटे आपको लगाना है, जिससे मान लीजिए 9 से 12 लगाना है या फिर 3 से 6 लगाना है, ठीक है। उस 3 घंटे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको अगर ऐसा लगेगा उस समय लगेगा निश्चित रूप से कि अरे यार मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इससे अच्छा कुछ सिलेबस कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अरे भाई आपने पूरे 6 महीने 1 साल सिलेबस को कंप्लीट किया ही है, ठीक है। जिसने नहीं किया तो भी आपको कुछ नहीं करना है, और केवल उस समय आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है मात्र 3 घंटे, ये पहला आपका आज से प्रोसेस रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद जो आपका समय बचता है, पूरा समय आपका पूरा दिन बचता है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कि जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो दूसरा फायदा उससे ये होगा, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन लगाए, ठीक है, 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको ये पता चलने लगेगा कि किस टॉपिक से हमारा कमजोर है, कौन से टॉपिक में हम कमजोर हो रहे हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर पाएंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे ना, बाद का जो टाइम होता है जिसमें आप लोग थ्योरेटिकल या फिर रिवीजन करेंगे, तो उसमें जहां जहां आपकी कमी है, एक दिन में हर दिन आप क्या करें, 2 पोर्शन को आप मतलब आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर हमें कमी रह गई, और उस पोर्शन को आप अच्छे से तैयार करें। अच्छे से तैयार करने का मतलब फिर उस समय आपका ध्यान ये नहीं भटकना चाहिए कि अरे यार अब फिर से रिवीजन पूरा नहीं करना है, पूरा आपने कर लिया। आइडेंटिफाई करिए पर डे आप दो टॉपिक आइडेंटिफाई करिए, और 2 टॉपिक को आइडेंटिफाई करिए, और पूरे के पूरे दिन जितने भी आप पढ़ते हैं 6 घंटे 7 घंटे उन्हीं टॉपिक पे ही रहिए। तो इस तरह से आपके दो अगर टॉपिक आप देखेंगे तो 10 दिन में आपके 20 टॉपिक हो जाएंगे, और वो 20 टॉपिक ये होंगे जो आपके बहुत ज्यादा कम स्ट्रांग है। ये समझ गए ना कि जो वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे जो आपके वीक हैं, और बाकी जो आपका अल्टीमेटली जो पुराना टॉपिक है जिनमें आप अच्छा कर रहे हैं तो वो आपका स्ट्रांग है ही। तो आपको ये दूसरा काम करना है, नंबर वन क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है किस समय पर, जिस समय पर आपका एग्जामिनेशन का शिफ्ट है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको सोना बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं सोना है उसका भी यही रीजन है, साइंटिफिक रीजन, कि आपका ब्रेन को वहां पर उस समय सिग्नल जाता है। आप लोग नोटिस करते होंगे हम लोग को खाना खाने के बाद नींद आती ही आती है, वो हम लोग के हैबिट में हो जाता है कि इस समय सोना है तो सोना है। अगर आप वही आप अगर कोई ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो उस समय नींद नहीं है क्योंकि आपका वर्क लोड रहेगा और आपके आप वहां पर काम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको करना है, ठीक है। तीसरी बात और आपको क्या करना है,
कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, पेपर वन के बारे में या फिर पेपर टू के बारे में। ठीक है, तो पेपर वन पेपर टू दोनों के बारे में जिसमें आप खींच सके। अब क्या करना है आपको, जिसमें आप ज्यादा नंबर खींच सके, आपको ज्यादा कंफर्टेबल जो भी लगता है। जैसे किसी किसी को लगता है पेपर वन में हम 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं 50 में से, क्योंकि थोड़ा सा वो फेमिलियर रहते हैं पेपर वन के एक दो टॉपिक के छोड़ के। ठीक है ना, और पेपर टू में कभी कभी क्या हो जाता है, जो रेगुलर खासकर नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई सोशियोलॉजिस्ट पढ़ रहा है, कोई पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहा है, कोई साइंस से दे रहा है, तो कभी कभी क्या होता है रेगुलर लोग नहीं किए रहते हैं उन कोर्स को, तो ज्यादा फेमिलियर नहीं रहते फिर भी। और ये जो 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है पेपर वन के, इसमें फेमिलियर रहते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग इसमें आना है और बेसिक कंप्यूटर आना है, तो यहाँ फेमिलियर रहते हैं, तो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो आप लोग एक एक काम करिए, चाहे आप अभी आप लोग को ये डिसाइड हो ही गया होगा कि हमारा कौन सा पोर्शन मजबूत है, ठीक है, तो उसमें आप ज्यादा काम करिए। ठीक है, मान लीजिए आप 6 घंटे टोटल पढ़ते हैं और 3 घंटे मैंने क्वेश्चन पेपर के लिए दे दिया। ठीक है, अब तो 6 घंटे में आप 3 घंटे पेपर वन को दीजिए, 3 घंटे पेपर टू को। कभी ये नहीं करना है आपको, सबसे बड़ी बात, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है अपने स्टडी के दौरान कि हमको तो ये आ गया, हम इसमें नहीं वो करेंगे, मेहनत करेंगे। सबसे पहला यही वो होता है कि अगर जो पोर्शन आपका मजबूत है उस पे ज्यादा आप स्ट्रांग करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ये करना है। तो जिसका पेपर वन लगता है ठीक है, जिसको पेपर टू लगता है पेपर टू, लेकिन अभी लेके चलिए एक ही, मतलब पेपर वन अगर लगता है तो उसको ज्यादा करना है। तो इस तरह आपको क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है ये बताइए, हमारा गोल ये करना है कि कम से कम हमारा 1 2 3 कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए, 80 से 90 क्वेश्चन हमारे टोटल सही होने चाहिए आउट ऑफ 150। ठीक है ना, 80 से 90 क्वेश्चन सही करना है, इसमें आपका नेट और जीआरएफ सब क्वालिफाई हो जाएगा, 90 में तो जीआरएफ क्वालिफाई हो ही जाएगा कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, ये करना है। तो आप अगर इसमें 40 और इसमें 40-50 के रेंज का आप करते हैं पेपर वन पेपर टू में, तो कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रही हमारी बात की हमको क्या करना है, सबसे मेन फोकस यही करना है आपको, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव लगाना ही लगाना है। ठीक है, दूसरी बात, उस समय आपको आज सोना नहीं है, सोना आज से बंद कर दीजिए। ठीक है, उस समय आपको ऑब्जेक्टिव करना है। तीसरी बात, जो टॉपिक कमजोर है उसको आप दीजिए टाइम। चौथी बात आपका ये है कि पेपर वन पेपर टू में जो भी मजबूत है उसमें आप उसको और ही स्ट्रांग करिए। और एक लास्ट हमारा ये स्ट्रेटजी रहना चाहिए चौथे नंबर की, कि जैसे आपको लग रहा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि आपको मान लीजिए पेपर वन है। ठीक है, पहली बात तो पेपर वन के लिए जितने भी मैंने, पेपर वन से रिलेटेड कोई समस्या शायद नहीं होगी, क्योंकि पेपर वन के अगर जिसको अभी भी समस्या है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट देखेंगे, पेपर वन यूजीसी नेट और सेट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पेपर वन में हमारे सारे मैराथन पड़े हुए, सब 1 से 1 घंटे 20 मिनट में 10 के 10 यूनिट का मैंने कंप्लीट किया। उसको आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, हो सके अगर नोट्स बनाना हो बना सकते हैं, और नहीं बनाना हो तो फिर उसको आपको 2 बार देखना पड़ेगा, और अभी भी बहुत समय है, वो आप 2-3 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि 30-35 नंबर वहां से 35 नंबर जाने ही वाले नहीं, आप अगर उसको देख लेंगे तो, ये मेरा कहना है। बाकी आप कहीं से भी पढ़ते हैं, आप बुक से अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, बाकी आपको जल्दी से अगर रिवाइज करना है तो आप पेपर वन का मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पेपर टू की बात करते हैं। मान लीजिए पेपर टू में आपकी यूनिट है 10 यूनिट आपके पास है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा, आप एकदम घबराए हुए हैं कि मतलब कि यार मैंने तो इतना पढ़ा ही नहीं, इतने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, फिर मैं कैसे कर पाऊँ, तो आप कुछ मत करिए, अभी भी आप 10 दिन है, तो क्या करेंगे आप 10 मिनट में इसमें पता है कितने, 4 यूनिट पढ़ डालिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 4 यूनिट अगर आप कर पाएंगे ना, और उनको आराम से कर सकते हैं, आप ये भूल ही जाइए कि हमारे पास 10 यूनिट है, केवल 4 यूनिट का टारगेट लेके चलिए और 4 यूनिट को ही कंप्लीट करिए, और अच्छे से करेंगे ना तो 4 × 40 नंबर
40 क्वेश्चन तो यहीं से आपका सही होने वाले हैं। 40 जब यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मान लीजिए दो चार कम भी हो 35 हो गए ना, और मैं ये कहता हूँ 15 से 20 क्वेश्चन 100 में से तुक्के लगते हैं, आपका 50 से 55 नंबर स्कोरिंग पेपर 2 में हो ही जाएगा। 50 से 55 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं अगर आप 4 यूनिट करते हैं, और जिसका है अगर 10 यूनिट पूरा रिवाइज तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ सबसे कम पढ़ाई में किस तरह आप निकाल सकते हैं। तो 50 से 55 क्वेश्चन वहां से सही होने वाले हैं, और आप यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन, ये मतलब कुल मिला के आपके 80 से लेकर 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसमें आप बिना मेहनत के बहुत कम समय पर आप नेट को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। एक दो नंबर और अच्छी किस्मत रहे तो आप JRF में 4-5 क्वेश्चन का आगे पीछे का रहता है, कर ले जाएंगे। और चौथे नंबर के एक ये हो गया हमारा चौथा, पांचवें नंबर की हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपके पास सुविधा है वहां पर फोटोकॉपी की मशीन है या फिर जो भी है, तो कोई भी ऐसा मतलब वो OMR शीट डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 10 प्रिंट आउट निकाल लीजिए आप OMR शीट की, क्योंकि इस बार OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है जिसमें 150 क्वेश्चन रहे, तो उसमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन का होता है, तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और जब भी आप एग्जाम देने, टेस्ट देने या फिर ऑब्जेक्टिव देने बैठेंगे ना, तो उसमें क्या करिए उसको भरिए। उससे भरने से क्या होगा कि आप 150 में, मैं ये कह सकता हूँ 4 गोले आप गलत भरना ही भरना है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, और आपको एक ये कैलकुलेशन दिमाग में चलेगा कि हमारे गोले भरने में समय कितना जाता है। ठीक, तो अभी आप ये कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नॉर्मल ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले एक दो OMR जरूर भर के जाइएगा, ऐसा मेरा कहना है। अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि हर जगह अवेलेबिलिटी नहीं होती है, आप गांव में रहते हैं कहीं भी रहते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंडेटरी है, बट अगर मिल पाए तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो इतनी बातें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इन सिंपल चीज़ों को आप एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो इस एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, मुझे ये मतलब भरोसा है कि आराम से हो जाएगा। बस अब पैनिक नहीं लेना है, आपका अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास 2-3 चांस है। अभी आप यहाँ अभी आप जून में दे रहे हैं नेट का, ठीक है, और नेट में अगर नहीं हुआ तो MP के एग्जाम के लिए और कई अदर स्टेट के लिए सेट आते रहते हैं, सेट का देंगे, फिर दिसंबर में आपका फिर से ये साइकिल में फिर से नेट आएगा। तो इस आपको इस एग्जाम को ऐसे लेना है कि जस्ट हम कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। अगर आप इस बार नहीं भी क्वालिफाई कर पाए तो 4 नंबर से ही रह जाए तो अगले बार भी कर लेंगे। तो इसको ऐसे लेना है कि हम 2-3 बार में भी एग्जाम निकाल सकते हैं। वो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका अभी रिविजन एकदम से नहीं है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको है कॉन्फिडेंस तो आप 200 प्लस का ही सोचिए, ठीक है। तो इतनी बातें हैं हमारा, इतनी बातों को आप ध्यान में रख लेंगे जो हमने बोला, और जो आपका दिमाग करे, आपका स्वविवेक काम करे, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना के इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब 5-4 दिन बचेगा मैं एक और वीडियो लाऊंगा और आपके लिए बताऊंगा अब क्या करना है और उस समय आपकी क्या सोच होना चाहिए, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन के 5 दिन पहले 4 दिन पहले का जो प्रेशर होता है ना, उसको हैंडल करना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये आप कर लीजिए, ठीक है। और अब सबसे बड़ी बात, अपने हेल्थ को इस समय ध्यान दीजिए। हेल्थ को ध्यान देने का मतलब है कि अपनी दिनचर्या को ठीक ठाक से रखिए, और सोने का टाइम, जगने का टाइम एक थोड़ा सा डिसाइड कर लीजिए, बस इतना ही। और पढ़ने लिखने का ये है कि रात में पढ़ें दिन में पढ़ें, तो इसमें कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, रात दिन जब आपका वो करे तब पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं। बस 7-8 घंटे क्या 5-6 घंटे की नींद भी आप ले सकते हैं, बहुत पर्याप्त होता है। ओके, और UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे इतना मैं सोच सकता हूँ कि आप लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, आप लोग हाउस वाइफ भी हो सकते हैं, और आप स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, कुछ भी मतलब इंगेज वाले हो सकते हैं, क्योंकि नेट का एग्जामिनेशन मोस्टली ऐसे स्टेज में होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा इसमें हमें 15-16 घंटा की डिमांड नहीं है, ठीक है।
5-6 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन आप समय निकालेंगे तो आप निश्चित रूप से मिल जाएगी सफलता। ठीक है, कॉन्फिडेंस को बना के रखना है, नहीं पढ़े हैं तो भी बना के रखे हैं, पढ़े हैं तो बना के रखना है। ओके, इन चीजों को फॉलो करिए और आप कमेंट करिए कि मैं आप कौन सा कैसे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। फिलहाल तो अभी आप इसमें फोकस रहिए पढ़ाई के प्रति। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।